महादानी भोलेनाथ की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं हम। सोमवार महाव्रत की महिमा गा के बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सत्य कथा एक महादेव की आज बताते हैं, भक्तों आज बताते हैं हम। सोमवार महाव्रत की महिमा गा के सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुनो लगा कर ध्यान, सबसे बड़े वरदानी भोले शिव शंकर भगवान। जो भी करता शिव की तपस्या होता वही निहाल, उसे फिक्र ना कोई चिंता रहता है खुशहाल। किसी नगर में रहता था एक धनिक तो परिवार, शिव शंकर की भक्ति करता वो था साहूकार। नियम से जाता था शिव मंदिर सेठ बसातों बार, सोमवार के दिन रहता वो पूरे दिन निराहार। साहूकार की शिव भक्ति अब तुम्हें दिखाते हैं, भक्तों तुम्हें दिखाते हैं हम। सोमवार महाव्रत की महिमा गा के सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नगर में एक साहूकार रहा करता था भक्तों। वो साहूकार भगवान महादेव का परम भक्त था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक संतान की। एक संतान के लिए पति पत्नी दिन रात रोते बिलखते रहते थे। एक दिवस जब साहूकार शिव मंदिर में पूजा कर रहा था देवयोग से, उसी दिन शिव पार्वती मंदिर में आए थे भक्तों। पूजा करता महादेव की रो रो के साहूकार, गंगा जल के बदले बह रही आंखों से जलधार। पार्वती शिव से कहती है नाथ सुनो मेरी बात, मुझसे देखे नहीं जा रहे इसके ये हालात। पुत्र रत्न का वर दे करके करो इसे खुशहाल, साहूकार है सबसे बड़ा पर पुत्र बिना कंगाल। इसके भाग्य में सुनो पार्वती नहीं कोई संतान, हंस के बोले पार्वती से शिव शंकर भगवान। सुन के सेठ की आंखों से आंसू बहते जाते हैं, आंसू बहते जाते हैं हम। सोमवार महाव्रत की कथा गा करके सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बात सुनकर मैया पार्वती कहती हैं, हे स्वामी मैं कुछ नहीं जानती, ये साहूकार आपका परम भक्त है, तो इसके कष्ट दूर करने की जिम्मेदारी आपकी ही है भोलेनाथ। आप इसे
संतान प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। भोलेनाथ बोले, ठीक है गौरा, मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु उस बालक की आयु मात्र 12 वर्ष ही होगी। 12 वर्ष के पश्चात वो बालक मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये सारी बातें साहूकार सुन रहा था भक्तों। पूजा शिव की पूरी करके चला गया साहूकार, लेकिन उसके मन में मचा था भारी हाहाकार। किसी को उसने कुछ न बताया मंदिर वाली बात, अपने कार्य को होके मगन वो करता रहा चुपचाप। नियम से वो शिव मंदिर जाता करता पूजा पाठ, एक दिन सेठ से बोली सेठानी सुनो खुशी की बात। भोलेनाथ ने सुन ली अपनी, पल रहा गर्भ में लाल, पुत्र रत्न से हो जाएंगे हम भी माला माल। साहूकार जी मन की अपनी कह नहीं पाते हैं, भक्तों कह नहीं पाते हैं, हम सोमवार महाव्रत की कथा गा करके सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। की बात सुनकर सेठ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की भक्तों, क्योंकि सेठ तो जानता था कि मेरे पुत्र की आयु मात्र 12 वर्ष ही है। कुछ महीनों के बाद वो दिन भी आ गया जब सेठानी ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। सेठ ने कोई खुशी नहीं मनाई भक्तों, पहले की तरह सामान्य रूप से अपना कार्य करता रहा। पुत्र जब बड़ा हो गया तो सेठ जी ने अपने साले को यानी अपने बच्चे के मामा को बुलवाया और कहा कि तुम उसको लेकर काशी चले जाओ विद्या अध्ययन के लिए, रास्ते में हवन यज्ञ भंडारे करवाते हुए जाना, जब शिक्षा पूरी हो जाए तो इसको लेकर वापस आ जाना। मामा भांजा चल दिए दोनों काशी जी की ओर, फूल कमल का जैसे लगता बालक मधुर किशोर। जहाँ करे विश्राम रात को करे यज्ञ और दान, भंडारे करवा के करते द्रव्य वस्त्र का दान। चलते चलते गए वो दोनों किसी नगर के पास, ढलने वाली सांझ थी सोचा कर ले यही निवास। एक सराय में ठहर गए वो करने लगे विश्राम, किस्मत अब उसकी करती है भक्तों क्या क्या काम। इसके आगे जो होता है वो बतलाते हैं भक्तों, वो बतलाते हैं, हम सोमवार महाव्रत की कथा गा करके सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। उसी सराय के बगल के शामियाने में एक बारात ठहरी हुई थी भक्तों, जो उस नगर के साहूकार की बेटी को ब्याहने के लिए आई हुई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बस दूल्हा कुरूप और एक आंख से काणा था। उसी बात को लेकर दूल्हे का बाप परेशान था कि यदि लड़की को मेरे लड़के का दोष पता चल गया तो वो अवश्य ही शादी से मना कर देगी।
तभी उसकी नजर सराय में सो रहे साहूकार के पुत्र पर पड़ी। दूल्हे का बाप लड़के के मामा के पास गया और बोला, हे भाई मेरी लाज बचा लीजिए। लड़के का मामा हैरान परेशान दूल्हे के बाप का मुंह देखता रह जाता है। और उधर लड़के का बाप बोल रहा है कि सिर्फ द्वार पूजा तक के लिए आपके बालक को दूल्हा बना के ले जाना चाहता हूँ, इसके बदले में मुंह मांगी दौलत देने को भी तैयार हूँ। हाथ जोड़ कर हो के रुआसा वो दूल्हे का बाप, करे निवेदन मामा से उसके करते हुए विलाप। हामी भर दी मामा ने उसके, हो गया वो तैयार। दूल्हा बन के उसका भांजा पहुंचा पूजा द्वार। चंद्र के जैसे चमके मुखड़ा लगता राजकुमार। रेशम जोड़ा फूलों का सेहरा, लटक रही तलवार। सुंदर रूप देख दूल्हे का मोहित हो गए लोग। अब आगे क्या भक्तों देखो कैसा है संयोग। इसके आगे क्या होता है अब बतलाते हैं, भक्तों तुम्हें बताते हैं। हम सोमवार महाव्रत की कथा गा करके सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। द्वार पूजा पर दूल्हे को देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। द्वार पूजा के बाद विवाह की रस्म होनी थी। काणे दूल्हे के बाप को चिंता सता रही थी। द्वार पूजा तो हो गई परंतु फेरों पर मेरे बेटे को देखकर सब क्या कहेंगे, ससुराल वाले सब क्या सोचेंगे। यह सोचकर वो साहूकार फिर से लड़के के मामा के पास जाता है और विनती करता है कि फेरे भी करवा दो, बदले में जो चाहे ले लेना। मामा फिर तैयार हो जाता है। भक्तों फेरे करवाने की खातिर मामा हुआ तैयार। बना के दूल्हा भेज दिया फिर अपना राजकुमार। हो गई शादी फेरे हो गए काना छुपा रहा। ओढ़ के चादर काना था कोने में पड़ा रहा। भोजन करके दूल्हा दुल्हन कोहबर में जाते हैं। दूल्हा दुल्हन आपस में हंसते बतलाते हैं। नींद आ गई दुल्हन को जब दूल्हा चला गया। सारी बातें चुनरी पे लिख कर वो तो चला गया। वहां से मामा भांजा दोनों काशी आते हैं, दोनों काशी आते हैं। हम सोमवार महाव्रत की कथा गा करके सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। सुबह सवेरे जब दुल्हन सोकर उठती है भक्तों, तो अपने दूल्हे को गायब पाती है। अपनी चुन्नी पर देखती है सारी सच्चाई लिखी हुई थी कि मैं तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा पति तो एक काणा है। मैं तो सिर्फ फेरों तक के लिए तुम्हारा पति था, अब मैं काशी जा रहा हूँ विद्या ग्रहण करने के लिए। दुल्हन सारी बात अपने पिता से बताती है। उसका पिता बारातियों को क्रोध में भगा देता है। भक्तों
जी के गुरुकुल में विद्या ग्रहण करता है। देव शास्त्र और बीज मंत्र का मंथन करता है। उसका मामा करे भंडार करे अन्न का दान। विद्या अर्जन करता भांजा भरे ज्ञान की खान। 12 साल हो गए पूरे उसके जीवन के। पूर्ण हो चुके थे दिन सारे उसके जीवन के। उठ गया सर में दर्द भयंकर पीड़ा सही ना जाए। ऐसे गिरा धरा पे बालक नब्ज सांस थम जाए। पिंजरा खाली छोड़ के जो पंछी उड़ जाते हैं, जो पंछी उड़ जाते हैं, हम सोमवार महाव्रत की कथा गा करके सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वर्ष की आयु पूर्ण होते ही बालक की मृत्यु हो जाती है। भक्तों, उसका मामा दहाड़े मार मार कर रो रहा है, अब मैं किस मुंह से वापस जाऊंगा, अपनी बहन को क्या उत्तर दूंगा। और इधर देवयोग से उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। भक्तों, माता पार्वती की नजर मरे हुए बालक पर पड़ती है तो वो जान जाती है कि ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जो भोलेनाथ का परम भक्त है, और ये बालक भोलेनाथ के वरदान का ही फल है। वो भोलेनाथ से कहती हैं कि उस बालक को जीवित कर दीजिए प्राणनाथ। बोले बोले पार्वती से ये है विधि का विधान। नियम कहे विपरीत अगर मैं लौटाऊंगा प्राण। पार्वती बोली कि दिया था आप नहीं वरदान। जीवित कर दो इसको स्वामी बालक है नादान। पार्वती की हट के आगे शिव शंकर गए हार। जीवन दान उसे देने को हो गए वो तैयार। भोलेनाथ ने उस बालक को दे दिया जीवन दान। उस बालक के मृत शरीर में वापस आ गए प्राण। उठ के बैठ गया वो बालक सत्य बताते हैं, भक्तों सत्य बताते हैं, हम सोमवार महाव्रत की कथा गा करके सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। बालक आंखें खोलता है और उठकर बैठ जाता है। भक्तों, यह देखकर उसका मामा हैरान हो जाता है, उसे भगवान भोलेनाथ का चमत्कार मानता है। वो बालक पूछता है, मामा श्री आप रो क्यों रहे हैं। मामा कोई बहाना बनाकर उसकी बात को टाल देता है भक्तों, और कहता है अब हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, चलो वापस घर चलते हैं। और उसी दिन दोनों अपने नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। चलते चलते पहुंच गए वो उसी नगर के पास, जहां विवाह हुआ था उसका सुकुमारी के साथ। उसी सराय में आकर के वो फिर से रुकते हैं। कर स्नान आदि फिर दोनों भोजन करते हैं। उधर से गुजरी सेठ की लड़की हुई बड़ी हैरान। इन्हीं से ब्याह हुआ था मेरा
तुरंत गई पहचान। सेठ सैनिक बुला के उनको घर में लाते हैं, मामा भांजा को जम के सत्कार कराते हैं। देख पति को दुल्हन के नैना शर्माते हैं, हाँ नैना शर्माते हैं। हम सोमवार महाव्रत की कथा गा करके सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। का मामा सारी बात साफ साफ बता देता है कि कैसे काणे के बाप ने मेरे भांजे को एक रात का दूल्हा बना के आपकी पुत्री से विवाह करवा दिया था। सेठ ने कहा विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता, सो अब आपका भांजा ही मेरी पुत्री का पति है। कुछ दिन वहां ठहरने के पश्चात अपनी पत्नी को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। सेठ ने बहुत सारा धन धान्य दास दासियां देकर अपनी पुत्री को विदा किया था। पति पत्नी डोली पर सवार हैं और दास दासियां पीछे चल रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि साहूकार और उसकी पत्नी क्या कर रहे हैं। साहूकार पत्नी संग दोनों छत पर जाते हैं, पुत्र शोक में बैठ के दोनों नीर बहाते हैं। 12 साल तो गुजर गए हैं, मर गया होगा लाल, उसी सोच में उन दोनों का हाल हुआ बेहाल। उन दोनों ने सोच लिया था दे देंगे हम प्राण, अब ना रहेंगे जिंदा जब न रही संतान। अंतिम बार पुकार रहे हम हे शंकर भगवान, पुत्र वियोग में हम दोनों भी चले गवाने जान। छोड़ के धरती हम दोनों अब स्वर्ग को जाते हैं, दोनों स्वर्ग को जाते हैं। हम सोमवार महाव्रत की कथा गा करके सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। साहूकार और उसकी पत्नी दोनों छत से कूदने ही वाले होते हैं कि तभी सेठ का साला नीचे से आवाज लगाता है, दीदी जी बहनोई जी आरती की थाली सजा कर ले आओ, आपका पुत्र वधू को लेकर आया है। यह सुनकर पति पत्नी दोनों चौंक जाते हैं, भला ये कैसे संभव है। भगवान शिव शंकर ने पुत्र की आयु मात्र 12 वर्ष की बताई थी और 12 वर्ष तो पूर्ण हो चुके हैं। पति पत्नी दोनों उससे शपथ खिलाकर कहते हैं, तुम सत्य बोल रहे हो ना। तब उसने कहा, यदि आपको विश्वास ना हो तो चल के देख लो, गांव के बाहर बाग में डोली के साथ साथ हजारों दास दासियां और स्वर्ण के भंडार पड़ाव डाल रखे हैं। दोनों खुशी खुशी नीचे उतर कर आते हैं और पुत्र को देखने हेतु बाग की तरफ दौड़ने लग जाते हैं। भक्तों दौड़ के दोनों बाग में पहुंचे, रुका जहां डोला, पुत्र वधू को देख के अपनी साहूकार बोला, ये सब कृपा है भोलेनाथ की, गया हूं मैं ये जान, बड़े दयालु बड़े कृपालु हैं शंकर भगवान। पुत्र वधू को लेकर अपने घर में आते हैं, पूरे साल खुश
हाल मगन त्योहार मनाते हैं। सोमवार के व्रत की महिमा सबसे उत्तम है। सोमवार के व्रत का फल सबसे सर्वोत्तम है। कथा लिखी सुखदेव काला गा के सुनाते हैं, काला गा के सुनाते हैं। हम सोमवार महाव्रत की कथा गा करके सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं।